नैसाल के जश्न में रात भर डूबने के बाद युवा से लेकर बड़े बुजुर्ग तक नौ वर्ष की सुबह मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे। राजधानी के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता देखते ही बन रहा था। सभी श्रद्धालु भक्ति में रमे हुए थे और अपनी मनोकामना के लिए माता से श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद भी लिया। वर्ष 2018 की विदाई के दौरान रायपुर में लगभग 26 स्थानों पर जश्न का माहौल दिखा। रायपुर में नैसाल का जश्न मनाते हुए युवा से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आयोजन में शामिल हुए। इस आयोजन में डीजे की धुन पर सभी के कदम थिरके और जहां लोगों ने नए और पुराने गीतों पर खूब मस्ती की। इस मस्ती के धूम में लोग रात 1 बजे तक मौज मस्ती में झूमते रहे। नववर्ष के आगमन को लेकर युवाओं में सबसे ज्यादा जोश देखा गया। सड़कों पर भी रात के समय काफी गहमा गहमी थी। इसके बाद नए साल के आगाज के साथ ही सुबह होते ही राजधानी के देवालय यानी मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा। रायपुर के महामाया मंदिर, आकाशवाणी काली मंदिर, शिव मंदिर, भैरव बाबा मंदिर और बजरंग बली मंदिर में भक्तों का रेला देखा गया। सभी भक्तों ने हाथों में पूजा की थाली लिए माता की आराधना में जुटे हुए थे। श्रद्धालुओं ने बीते वर्ष सही तरह से बीत जाने और अपने से हुई गलतियों की माफी मांगी। साथ ही नए साल 2019 उनका मंगलमय रहे इसकी कामना भी की गई। नए वर्ष की शुरुआत भगवान का आशीर्वाद लेकर हमने, और जो भी 2018 में हमसे गलती हुई थी उस गलती पर हमें माफ़ करें, और आगे 2019 है वो सभी के लिए एक मंगलमय हो, सभी का दिन अच्छा हो, हर दिन एक नई शुरुआत हो। बहुत अच्छी रही क्योंकि माता रानी के दर्शन हो गए, शंकर भगवान के दर्शन हो गए, भैरव बाबा के दर्शन हो गए, तो उनसे यही मांगे हैं कि सबका भला हो, हमारा भी भला और सबका भला। देखिए सर, नया साल तो पहले तो सबको बधाई नया साल की, और हम ये माँ की शरण में आए हैं माथा टेकने के लिए, यही उम्मीद के साथ कि माँ की आशीर्वाद हमें साल भर बना रहे, सबके ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ये छत्तीसगढ़ के ऊपर और पूरा देश के ऊपर। आई नया साल भैया 2019 अच्छा से कटे जैसे 2018 गया, ऐसे इसलिए आए हैं प्रार्थना करने माता रानी से। हाँ एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि पहली बार माँ का दर्शन से ही नया साल का शुरुआत हुआ, तो इसलिए माँ का दर्शन करने आ गए तो और बहुत अच्छा लगा। इतना भीड़, इतना भक्त जन आए हैं और हम भी उनमें शामिल हुए तो अच्छा लगा। वही मंदिर के पुजारी नरेंद्र महाराज ने देश टीवी से चर्चा के दौरान कहा कि नए साल के आगाज के साथ ही रात में मंदिरों में तांता लगा था। रात में माता की आरती भी हुई थी और सुबह होते ही भक्त अपने मनोकामना को लेकर मंदिर पहुंचे और दिया अगरबत्ती जलाकर पूजा अर्चना की। पंडित ने कहा कि यह दौर नए साल के पहले दिन सुबह से रात तक चलता रहा। 2018 के पश्चात जो इंग्लिश वर्ष का नया वर्ष है 2019, जो कि आज शुभ मंगलवार के दिन से प्रारंभ होने जा रहा है, इस उद्देश्य से कि लोगों का 2019 में न्यूनतम वर्ष के आगमन में हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, जिसकी जो उद्देश्य है वो अपना मनोकामना लेते हुए माता के चौकट में कि हम अपना वर्ष का प्रारंभ माता जी का, शिव जी का, भैरव बाबा जी का पूजन करके और प्रारंभ करें, तो इस आस्था से लोगों की काफ़ी सुबह से ही आना जाना, भक्तों का प्रार्थना माता जी के चरणों में लग रही है। लिहाजा नए साल के आगमन को लेकर सभी में काफी उत्सुकता देखी गई। रात भर मस्ती के बाद सुबह होते ही मंदिरों में पहुंचकर अपनी मनोकामना के लिए आराधना की गई। देश टीवी के लिए कैमरामैन सिनेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यू डे अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।